हेलो दोस्तों, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप लोग? अच्छा, मैं कैसे हो? वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल, आपके हमारे चैनल बेबी का फन एंड मम्मा का किचन में। मम्मा का किचन किचन में मेरा ये बेबी बहुत ज्यादा गंदा है, छोटे बाबू को बहुत परेशान करता है। चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप बच्चे होंगे। और ये देखिए मेरा बेटा किस चीज की जिद कर रहा है। ये कह रहा है मेरे को बर्फी खानी है, और बर्फी घर पे है नहीं। क्या खाना है बेटे? बर्फी। बर्फी खानी है? तो कहाँ से लाए इस टाइम? मुझे बर्फी खानी है। बेटू बनाओ चल के क्या तुम्हारे लिए? अरे फ्रिज में डाले बर्फी बना दो। देखो नौटंकी बाज को कैसे नौटंकी कर रहा है। चलिए इसके लिए किसी चीज की बर्फी बना देती हूँ, या तो सूजी की या फिर मिल्क पाउडर की, देखते हैं। नहीं। फिर नहीं। क्या नहीं? नुकल करा ला। चलो मेरे को बर्फी बनवाओ चल के। नहीं, ये बर्फी मैं आज से बनवाऊंगी, इस गंदे बच्चे से बनवाऊंगी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक डोंगा मिल्क पाउडर, इलायची फ्लेवर का है ये, और एक प्लेट में ये एक नारियल है, इसको मैंने घिस लिया है। तो ले लिए थोड़े से काजू, और ये नारियल इसको हम आधा आधा कर लेंगे, क्योंकि आधा हमें मिक्स करना होगा, आधे ऊपर से डालना होगा। आधा नारियल हम इसमें निकाल लेते हैं, इतना नारियल हम इसमें निकाल लेते हैं। और ये से यहाँ पे हमने चढ़ी है कढ़ाई, और इसमें दो गिलास दूध, गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे, इसमें एक गिलास पानी और ऐड कर देंगे। दूध में हम उबाल आने देते हैं। सो गाइस, हमारे दूध में उबाल आने लग गया है, अब हम इसमें डालेंगे घिसी हुई नारियल जो हमने प्लेट में रखी थी। ये देखिए, अब हम इसको एक मिनट तक चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम करछी से लगातार चलाते रहेंगे, वरना इसमें एकदम मेल्ट नहीं होगा, ये एकदम हम चलाते ही रहेंगे इसको, नहीं तो ये इसमें गुट्टे गुट्टे से बन जाएंगे, फिर हमारा मिक्स नहीं हो पाएगा। देखिए गाइस, हम चला रहे हैं फिर भी इस कैसे एकदम, ये देखिए कैसे बन रहा है। इसको हम ना बहुत जल्दी जल्दी चलाएंगे, तो वीडियो को पॉज करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आपको दिखाते हैं इसको। गाइस देखिए, सिर्फ एक डोंगा कितना सारा कढ़ाई भर गई है एक डोंगे मिल्क पाउडर से। इसमें हम चीनी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना मीठा होता है ना, इसमें एक दाना भी चीनी का नहीं डालेंगे। इसको और थोड़ी देर हम ऐसे ही गैस पर चलाएंगे, गाढ़ा होने देंगे, और तब तक ये हमारा ऐसे ही रखा है, तब तक हम एक थाली में ऑयल लगा लेते हैं इसको जमाने के लिए। ये देखिए थाली, हमने इसमें ऑयल लगा लिया है, और अब इसके अंदर हम निकालेंगे मिठाई का जो है, इसके अंदर जमाएंगे बर्फी। आधे घंटे से चलाते चलाते मेरे हाथ दर्द होने लग गए हैं, कंधों में दर्द होने लग गया है, और देखिए गाइस ये कैसा बन गया है। इसको अभी थोड़ा और सुखाएंगे, उसके बाद जमाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। गैस को बहुत जल्दी है खाने की, तो ये देखो दे दिया मैंने इसको थोड़ा सा। काटा। बताओ खा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है? हाँ। टेस्टी है, अभी खाया नहीं है मगर अच्छा। गाइस अब हम इसको निकाल लेते हैं थाली में। ये देखिए गाइस, हमारी बर्फी बनके हो चुकी है रेडी। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं डेकोरेट करेंगे, बस थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। इस पे हमने जो नारियल बचाया था ना आधा, उसको पूरा ऊपर से डाल देंगे।
हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं काजू से, इससे ना इसका लुक थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर आपको काजू नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अयांस कह रहा है यस हमको भी खिला दो भैया। अब इसको ना डेकोरेट करने के बाद हम फ्रिज में रख देंगे एक घंटे के लिए। ये इसको तो बिल्कुल भी शबर नहीं है, देखिए फ्रिज खोलने लग गया, अभी एक घंटा भी नहीं रखने दिया। इस फ्रिज में कुछ नहीं है, खाली है सारा। हटो निकालने दो बेटू, पहले निकालने दो बाबू। सो गाइस रेडी हो चुके हैं हमारी बर्फी बिना चीनी बिना मावा की, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग को खाना है तो आ जाइए, वेलकम। चलिए हम भी टेस्ट करके देखते हैं। ये रही हमारी बर्फी और इसको हम कट कर लेते हैं और एक पीस टेस्ट करके देखते हैं और आप लोग को भी टेस्ट करवाते हैं। मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, एक हाथ से कट कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं बन रहा है काटते, तो मैं ज़रा सा ही आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगी। ये पीस आपके लिए कट कर रही हूँ, टेस्ट करिए और बताइए कैसा लग रहा है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। ओके बाय बाय।